स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ एक ऐसी जगह जो कि मैगी पॉइंट के नाम से मशहूर है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आती है। और पूरी मैं यहाँ की आपको जानकारी बताऊँगा, यहाँ पे ये जगह कहाँ पर है, आप लोग कैसे यहाँ पे आएंगे। और फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। यहाँ पर खाने के साथ साथ आप अच्छी अच्छी वादियों का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ, पूरी वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, कुछ पूरा इस तरीके से ये जगह है, देखिए पूरी बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। तो फ्रेंड्स, हम आए हैं यहाँ पे रॉक ऑन वेजिटेरियन, यह है कुछ इस तरीके से। और सबसे जो यहाँ का खूबसूरत है वो देखिए, यहाँ का ये जो नहर है ये है बहुत ही ज़बरदस्त है। फ्रेंड, अभी मैं यहाँ का पूरा एड्रेस आपको बताऊँगा, कहाँ कैसे आना है आप लोगों को, क्या एड्रेस है यहाँ का। तो पहले तो हम जिस चीज़ के लिए आए हैं वो हम करते हैं, हमें यहाँ पे क्या खाना है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए आप मेरे साथ। पहले मैं आपको एक बार यहाँ का पूरा ओवरऑल पूरा सेटअप दिखा दूँ कि कैसे कैसे व्यवस्था है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से सेटिंग अरेंजमेंट कर रखा है खाने के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन, मतलब खूबसूरती। फ्रेंड, इतनी बढ़िया है कि तारीफ तो यहाँ की बनती है। ये देखिए, इस तरीके से पूरा ये पूरा एक गार्डन टाइप का बैठने के लिए यहाँ पे खाने पीने का अच्छा प्रबंध करा गया है पूरा, कोई चीज़ की कमी नहीं है। और व्यूज़ आपको जो मिलेंगे फ्रेंड, बहुत ज़बरदस्त। ऊपर एक पहाड़ आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है ये। अभी इस नदी के बारे में पता करेंगे, क्या नाम है इस नदी का। तो फ्रेंड, इस समय मेरे सामने रॉक ऑन वेजिटेरियन के ऑनर हैं। भैया, आपका शुभ नाम? संतोष, संतोष नाम है मेरा। नमस्कार भैया, संतोष भैया। तो भैया, ये कितने वर्ष पुराना आपका ये है, आपका ये जो आपने बनाया है यहाँ पे? हमारा बेसिकली देखिए, कम से कम हमारा 8 या 9 साल हो गए हमें। पहले हमारा छोटा सा एक हट सा था। अच्छा, पहले हट था। धीरे धीरे करके लोगों ने इसका नाम रॉक ऑन रखा हुआ है, हमारा दिया हुआ नहीं है। अच्छा। तो लोगों ने कहा कि यहाँ बहुत सारे पत्थर हैं और ये है वो है, पता नहीं किस वजह से रॉक ऑन कहा, माउंटेन की वजह से हो सकता है। तो हमने कहा कि यार ठीक है, इसे रॉक ऑन ही दे देते नाम, क्योंकि रॉक ऑन नाम से ही फेमस होते रहते हैं। पहले हमारा थोड़ा सा हट था, छोटा सा हट था। फिर अब लोग आने लगे, फिर हमने धीरे धीरे करके एस्टेब्लिश करा, और अब देखिए आज की डेट में ये बहुत ज़बरदस्त हो गया। आपने बहुत अच्छा बना रखा पूरा हट गार्डन। तो संतोष भैया, हाँ सर, तो आपके वहाँ क्या क्या आप रखते हैं यहाँ पे खाने में? खाने में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली मैगी सबसे फर्स्ट है, क्योंकि मैगी पॉइंट के नाम से ये जगह मशहूर है। क्या है कि यहाँ नेचर की व्यूज़, और इस वजह से आदमी सबसे पहले क्या होता है, मेन्यू बिना मेन्यू देखे कहेगा कि मैगी है क्या, मैगी करिए, कराइए एक प्लेट। तो ये चीज़ है। और तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पिज्जा तक बनाते हैं हम। अच्छा। मोमोज है, पिज्जा है, मैगी की क्या वैरायटी है आपके वहाँ? मैगी हमारे पास 4 या 5 टाइप की वैरायटी है। पनीर मैगी है, एग मैगी है, और देखिए प्लेन मैगी रहती है, वेज मैगी रहती है, तो इस टाइप की मैगी। क्या प्राइसिंग रहती है मैगी की? मैगी की प्राइसिंग देखिए 40 है हमें अभी वेज मैगी का प्राइस, और बाकी जितना चीज़ें ऐड करेंगे फिर वो चीज़ें, फिर थोड़ा सा मेन्यू हमारा वहाँ पे अभी। अच्छा, मेन्यू भी फ्रेंड अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो टाइमिंग क्या है यहाँ पे, किस समय आप ओपन कर देते हो और क्लोजिंग टाइम क्या है? देखिए टाइमिंग हमारी सुबह 6:30 बजे खोल देते हैं और शाम को 8 बजे। अब क्या है कि रात लेट नाइट नहीं करते यहाँ। एक तो जानवर का भी रहता है, तो अच्छा, मैं जानना चाहूँगा यहाँ का जरा एड्रेस बताएंगे, अगर कोई यहाँ पे आना चाहे, मतलब कोई हल्द्वानी से बाहर से आ रहा है तो वो कैसे यहाँ पे आएगा? देखिए हमने गूगल मैप में डाल रखा है। अच्छा। इसे रॉक ऑन अगर सर्च करेंगे तो नेविगेशन में आराम से दे देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आजकल देखिए सब नेट का जमाना है, आराम से एकदम से गूगल मैप में आप एकदम से इसे वो कर सकते हैं। और बाकी ये रानीबाग से बेसिकली 2 किलोमीटर अंदर करके HMT जो फैक्ट्री है जो बंद हो गई है, वही रास्ता है। HMT 2 है, एक अमृतपुर वाली है, एक यहाँ वाली है। अच्छा, पहले आगे वाली है जो ये रानीबाग वाली है HMT। तो उसी रास्ते से आपको ये आना है, एक साइड से कट आता है और वहाँ से आप यहाँ पे आएंगे। और मेन चीज़ यहाँ पे ये आपको ये दिखेगा, देखिए पुल। और ये जो नदी है इसका नाम क्या है, मैं यही जानना चाहता था कि हाँ। नदी का नाम क्या है? नदी ये देखिए गोला नदी है, ये नैनीताल जो है हमारा लेक वहाँ से होते हुए आ रही है, वहाँ का पानी है। अच्छा, तो नैनीताल नदी है, मतलब इसे बोलते हैं वैसे बलिया नाला, बलिया नाला। हाँ, आगे जाके गोला नदी से मिल, अच्छा गोला में जाके मिल जाती है। तो फ्रेंड मैं बताना चाहूँगा जो गोला नदी है ये हल्द्वानी की सबसे फेमस नदी है, खेतों में सिंचाई के भी काम आता है और नीचे और शहरों में जाता है, फिल्टर होके पीने के काम भी, फिल्टर होके पीने के काम भी आता है इसका पानी। और ये तो भैया हमारे लिए भी फिर कुछ मैगी लगाई है, वो किचन भी दिखा दे रहा हूँ, कितनी साफ़ सुथरी और हाइजीनिक तरीके से यहाँ पे है। पूरा ओवरऑल व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, कुछ पीछे इस तरीके से है। तो भैया ने गैस ऑन कर दी है, और भैया आपका शुभ नाम? सम्राट जी, सम्राट, सम्राट। तो सम्राट भैया हैं जो कि मेरे लिए मैगी बना रहे हैं। ये भैया ने तेल डाला, भैया तेल पड़ गया, अच्छा तेल पड़ गया, प्याज पड़ गई, ये गई आपकी शिमला मिर्च और ये टमाटर। तो सम्राट भैया आपको कितना वक्त हो गया यहाँ पे? यहाँ पे तो ये तो अपना ही है। तो अच्छा, ये आप पे अपना ही है, तो घर भी आपका यहीं पे है? घर भी यहीं पे है, मतलब इसको यहाँ पे अभी टाइम हो गया 10-12 साल के। अच्छा, तो भैया ये भी भैया उनके छोटे भाई हैं ये, तो ये संतोष भैया के छोटे भाई हैं सम्राट भैया, और घर भी इनके यहीं है। अभी देखिए मसाले डाल रहे हैं, ये कौन सा मसाला क्या है? मैगी मसाला, ये मैगी मसाला है जो कि हम लोग डालते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ कि मैगी देखिए हम लोग घर पे बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन जो यहाँ पे खाने का मजा है वो अपना एक अलग ही होगा। तो फ्रेंड्स ये गई मैगी, आप लोग आइए यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स और बच्चों को लेके, सच में कह रहा हूँ कि वाकई में बहुत मज़ा आएगा आपको। आप अपना वेकेशन एक अच्छी तरह से आप यहाँ पे मना सकते हैं और बच्चों को काफ़ी मज़ा आएगा, सही कह रहा हूँ मैं? तो फ्रेंड्स मैगी तैयार हो गई है, अब इसकी प्लेटिंग होगी जो कि जा रही है प्लेट पे। और इस कढ़ाई को कितना समय हो गया? मेरे ख्याल जब से शुरुआत करूँगी कढ़ाई भी उतनी पुरानी हो गई है। हाँ, कढ़ाई तो चेंज होती है, अच्छा कढ़ाई चेंज होती रहती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये तैयार हो गई है, अब ये गया इसमें बटर, बटर। तो ये बटर कौन सा बटर है? ये अमूल। तो फ्रेंड्स ये अमूल का बटर है जो कि भैया ने निकाल के रख रखा है, और ये देखिए कुछ इस तरीके से लग रही है। आहा, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो फटाफट इसको खाते हैं फिर बताते हैं आपको। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, देखिए कितनी लाजवाब लग रही है मैगी। आप कहेंगे कि मैं मैगी खाने यहाँ पे आया हूँ, तो फ्रेंड मैगी खाने तो मैं आया हूँ, लेकिन जो यहाँ का जो व्यू है पूरा जो कि मैंने आपको बताया है उसके बारे में आया हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग भी यहाँ पर एक बार ज़रूर आइए, और मैगी की काफ़ी वैरायटियाँ हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, मैं मेन्यू दिखाता हूँ भैया का क्या क्या ये लोग ये बनाते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये इनका मेन्यू भैया का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ट्राई करते हैं मैगी, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया फ्रेंड, मतलब मिर्चा मसाला घर पे भी हम लोग खाते हैं, लेकिन यहाँ का आनंद ही कुछ और है। बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी, और ख़ासतौर पर माहौल इतना अच्छा है यहाँ का, तो मन कर रहा और खा लूँ लेकिन खाऊंगा नहीं, एक में ही हो गया काम। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप एक बार ज़रूर यहाँ पे आइए और वीडियो को लाइक करिए, और इतना अच्छा व्यू मिलेगा आपको, मेरी गारंटी आप यहाँ पर आके कभी निराश नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर पेंटिंग बहुत अच्छी करी गई है, पीछे बैकयार्ड है इनका, और कुछ अब यहाँ पे भी बन रहा है। यहाँ पे मैं संतोष भैया जाना चाहूँगा, भैया क्या बन रहा है यहाँ पे? ये हेड बन रहा है। अच्छा, तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरीके से जब नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँगा यहाँ की, तो यहाँ पे हट बना होगा और बहुत ही सुंदर बनेगा, क्योंकि यहाँ का माहौल देखिए, यहाँ का व्यू देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स एक बार यहाँ पे आप ज़रूर आइए, पूरा एड्रेस बता दिया गया है आपको। और अगर गूगल मैप में आप डालेंगे तो भैया का हट यहाँ पे पता चल जाएगा गूगल मैप में आपको। और बाकी बहुत शानदार व्यू है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए जायके के साथ, नए फूड के साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।